सब्सक्राइब करें मेरी चैनल Y3 एडिटिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप में हिंदी में टाइप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाके आपको यहाँ पर टाइप करना है हिंदी इनपुट टूल्स डाउनलोड, क्लिक करके उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गूगल हिंदी इनपुट फुल ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों आपको ये इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो हिंदी इनपुट है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको सीधे जाना है फ़ोटोशॉप में। चलो फोटोशॉप में आ जाते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, फोटोशॉप में हम हिंदी लिखने जाते हैं, टाइप करने जाते हैं, तो क्या होता है कई बार गलती हो जाती है। कैसी गलती, एक मैं डेमो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लैंग्वेज में जाके हिंदी सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा बिना कोई गलती किए हिंदी में लिखें, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी हिंदी में लिखा है, पर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ सब कुछ लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसके लिए क्या करना है, हम सही सही हिंदी में लिख सके इसलिए इसके लिए हमको एक छोटा सा सेटिंग इसमें करना है। वो क्या करना है तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाके सबसे नीचे आपको प्रिफरेंस में जाना है। प्रिफरेंस में जाके यहाँ पर टैब लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट एशियन पर ऑलरेडी ये क्लिक हुई है, तो हमें क्या करना है या मिडल ईस्टर्न पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमको फ़ोटोशॉप को एक बार क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हमको वापस फ़ोटोशॉप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद चलो फिर से हम एक लेयर ले लेते हैं बैकग्राउंड, अब लिखते हैं फिर से मैं हिंदी, यहाँ पर एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लूँगा, अब लिखते हैं बिना कोई गलती किए हिंदी में लिखें। देखा दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं है, जैसे हमने पहले लिखा था ऐसे कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं दिखा रही है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।